उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को चार धाम यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन देर रात होते होते सरकार अपने फैसले से ही पलट गई। इसके पीछे मामला न्यायालय में होना बताया जा रहा है। प्रदेश के सरकारी प्रवक्ता मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार, जब देवस्थानम बोर्ड को निर्देश दिए गए कि वह इसको लेकर गाइडलाइन जारी करे, तो उन्होंने इस प्रकरण को सामने रखा, जिसके बाद गाइडलाइन जारी करना संभव नहीं था। ऐसे में 16 जून को होने वाली हाई कोर्ट की तारीख के बाद ही इस पर कोई फैसला होगा। मामले की पड़ताल हुई तो पता चला कि चारधाम यात्रा को खोले जाने के संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 16 जून को प्रदेश सरकार को न्यायालय में चारधाम यात्रा पर अपना पक्ष रखना है। इसके बाद ही सरकार चारधाम यात्रा के संबंध में निर्णय लेगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने माना कि चारधाम यात्रा का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से फैसले में परिवर्तन किया गया। देखिए, चारधाम यात्रा में क्योंकि SOP देवस्थानम बोर्ड को जारी करनी होती है। सरकार ने कल मन बनाया था कि हम 3 जनपदों में स्थानीय लोगों के लिए खोल रहे, लेकिन देवस्थानम बोर्ड को चूंकि SOP जारी करनी होती थी, तब सरकार को अवगत हुआ कि इस समय 16 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में सुनवाई है, तो इस कारण इसको अभी रोक दिया गया। और दूसरा, लेकिन देवस्थानम बोर्ड को निर्देश दे दिया गया है कि 1 तारीख तक वो सारी तैयारियां पूरी कर ले, क्योंकि यात्रा शुरू होने से पहले, क्योंकि लगातार कोविड की स्थिति रही, तैयारियां भी पूर्ण नहीं थी, तो देवस्थानम बोर्ड का सबमिशन यह था कि साहब अभी तैयारियां भी पूरी नहीं है, तो उनको 1 तारीख तक सभी तैयारियों को पूरे करने के निर्देश दे दिए गए। सर, इसमें क्या ये लगता है कि अधिकारी सही से फीडबैक नहीं करते? देवस्थानम बोर्ड को SOP जारी करनी होती थी। जब देवस्थानम बोर्ड को सरकार ये बताया गया, उनसे डिस्कस किया गया अधिकारियों के द्वारा कि ये सरकार की मंशा ये है, तो तब जाकर के सरकार के संज्ञान में आया कि ये 16 तारीख को न्यायालय में भी केस है, अभी तैयारियां भी अपूर्ण है, क्योंकि तैयारियां कोविड की स्थिति के कारण तैयारियां भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वहां पर यात्रियों का आवागमन होना है, तो तैयारियों के तमाम होटल्स बंद हैं, आप देख रहे हैं सारे होटल बंद हैं, तो आखिर यात्री जाएंगे तो उनको रुकने का खाने का व्यवस्था होना आवश्यक थी। इस स्थिति को देखते हुए इसको 1 तारीख उनको निर्देश दिया गया कि 1 तारीख तक सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम। सतपाल महाराज कह रहे हैं कि